नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लेकर हाजिर हैं अपना आज का अगला वेबिनार का सेशन लेकर, जो कि होता है आईसीटी टूल्स पर आधारित, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स। और आज हम इसमें सीखने जा रहे हैं एक्टिव प्रेजेंटर। प्रेजेंटर यानी कि प्रस्तुतकर्ता, प्रस्तुतकर्ता यानी कि वो महज इंपॉर्टेंट कड़ी, एक महत्वपूर्ण कड़ी जिसको कहना चाहिए कि कोई भी बात यदि आपको किसी से कहनी है तो कितने बेहतर तरीके से आप कहते हैं, वही प्रेजेंटर है। वो किसी भी रूप में हो सकता है। और आपको एक्टिव प्रेजेंटर पढ़ाने के लिए और बताने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मिस्टर प्रदीप नेगी। आप नेशनल आईसीटी अवॉर्डी हैं। प्रदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सभी का नमस्कार, सभी व्यूअर्स मेरा नमस्कार जी। तो आज हम एक्टिव प्रेजेंटर के बारे में कुछ जानेंगे कि एक्टिव प्रेजेंटर आखिर है क्या। जी बिल्कुल, मेरा मेरे अंदर भी जिज्ञासा है, हालांकि मैं प्रेजेंटर तो समझ गया हूँ क्या होता है, तो शुरुआत मैं यहीं से करूंगा। पहला सवाल यही है कि एक्टिव प्रेजेंटर क्या है और ये कैसे काम करता है। हाँ, तो इसके लिए मैं आपको स्लाइड्स में कुछ बताता हूँ कि एक्टिव प्रेजेंटर आखिर है क्या। तो इसको हम कहेंगे कि एक्टिव प्रेजेंटर एक पूर्ण ई लर्निंग सॉफ्टवेयर है। इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने, प्रस्तुतिकरण बनाने, वीडियो संपादन, ई सामग्री का निर्माण, HTML5, LMS आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मोस्टली अधिकतर लोग इसका प्रयोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए किया करते हैं, लेकिन आप इसको जैसे PPT का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह इसको भी हम इसमें अपना प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। एनिमेशन का भी इसमें आसानी से प्रयोग हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं इसमें आगे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और खासकर जो हमारे शिक्षक हैं वो इसी सामग्री का भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जो आज के समय की सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है आवश्यकता है। हाँ, ई कंटेंट डेवलप करने की आज सबको जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक बेहतरीन टूल यह देता है कि हम वीडियो को ना केवल हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बल्कि उसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार। उसके सारे टूल्स इसमें अवेलेबल हैं और उसको हम यहाँ सीखेंगे थोड़ा कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। जी, तो एक्टिव प्रेजेंटर के जो टूल हैं, एक तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप ये देख रहे हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सकता है, ऑडियो और वीडियो एडिटिंग भी हम इसमें कर सकते हैं। कोई वीडियो बनाने के बाद उसको एडिटिंग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सिमुलेशन भी इसमें बनाया जा सकता है। आप किसी सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में इसको समझाना चाहते हैं तो उसका भी इसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाता है। सॉफ्टवेयर गाइड्स के बारे में हो सकता है। ई लर्निंग गेम्स भी इसमें बनाए जा सकते हैं, छोटे मोटे ई लर्निंग गेम्स, बच्चों को एजुकेशन से रिलेटिव जो गेम्स होते हैं। और क्विज बिल्डिंग, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर, ड्रैग एंड ड्रॉग, इस तरह के कई सारे हम छोटी मोटी एक्टिविटीज इसमें बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव प्रेजेंटर में काम करने से पहले हमें उसकी एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले गूगल में यहाँ पे एक्टिव प्रेजेंटर लिखेंगे तो इसका एड्रेस यहाँ पे दिखाई देगा। इस एड्रेस को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका एक इंटरफेस खुलेगा वेबसाइट का। इसमें लिखा है डाउनलोड, तो जहाँ पे डाउनलोड आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको एक्टिव प्रेजेंटर विंडो में डाउनलोड करना है या मैक में करना है, एप्पल वाले सिस्टम। तो जिसके पास जिस प्रकार के सिस्टम है वो उसी में डाउनलोड करेगा। तो जैसे मेरे पास विंडो है तो मैं विंडो में डाउनलोड करूंगा। जैसे मैं डाउनलोड को क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फोल्डर डाउनलोड होने लग जाएगा। ये 56 MB का सॉफ्टवेयर है, ज्यादा हैवी नहीं है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये डाउनलोड फोल्डर में हमारा यहाँ पे ये एक्टिव प्रेजेंटर डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप इसको रन कराना होगा। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो खुलेगा जिसमें रन ऑप्शन आएगा। रन को क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट में जाएंगे। एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करने के बाद उसके बाद इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन इसकी थ्रू हो जाएगी। उसके बाद फिनिश में जाएंगे आप और इसको फिनिश कर देंगे। जैसे आप फिनिश करेंगे तो इसका जो लोगो है एक्टिव प्रेजेंटर का, ये इस तरह दिखाई देगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, इसको आप जैसे डबल क्लिक करेंगे तो इसका ये सबसे पहला इंटरफेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा जिसमें ब्लैंक प्रोजेक्ट, रिकॉर्ड वीडियो, रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर सिमुलेशन,
ये सब चीजें दे रखी हैं। यहाँ पे कुछ विंडोज दे रखे हैं, कुछ इसके बैकग्राउंड दे रखे हैं स्लाइड्स के, वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले ब्लैंक को देख लेते हैं। ब्लैंक को हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसका जो इंटरफेस है ये इस प्रकार का है। इसको हम जो बीच का एरिया होता है इसको हम स्लाइड भी बोल सकते हैं और कैनवास भी बोल सकते हैं जिसको हम काम करेंगे। कोई भी अपना प्रेजेंटेशन यहाँ बना सकते हैं। ये मेन्यू बार है ऊपर वाला, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा वीडियो एडिटिंग के लिए, वो होगा टाइमलाइन। ये टाइमलाइन जो टूल है ये पूरा का पूरा, इसे समझना बहुत जरूरी है। जो भी हम काम करेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होता जाएगा। तो इसमें क्या क्या बोलते हैं, ये ऊपर के टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्विक एसेस टूल बार कहलाएंगे। ये डॉक्यूमेंट टूल है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स को एडिटिंग कर सकते हैं, कट पेस्ट, उसको फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, उसको कलरफुल कर सकते हैं। इसके बाद ये कैनवास है, ये स्लाइड पेन है जिसमें कई प्रकार की स्लाइड्स होंगी जो आप एक वन बाय वन बना सकते हैं। इसके बाद आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पे टाइमलाइन पेन है जिसमें हम काम करेंगे। जब वीडियो एडिटिंग का काम आएगा या तो स्लाइड प्रेजेंटेशन का काम आएगा, हम उसमें कर सकते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हर काम इसमें हो सकता है। इसके बाद है स्लाइड टूल्स पेन, यहाँ पे स्लाइड्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ऑब्जेक्ट टेम्पलेट पेन, या ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट स्टेटस पेन ये उसका है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा टूल है, प्रोप्राइटेड पेन यहाँ पे मिलेगा प्रॉपर्टीज के नाम से, रिसोर्स पेन और ये सिलेक्शन पेन। तो ये कई सारे पेन है, इन सबको हम जब काम करेंगे अभी इस पे तो आप देखेंगे कि इसमें कैसे काम किया जाता है। यह है टाइमलाइन पेन जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको मैंने थोड़ा यहाँ पे जूम करके दिखाया आपको कि इसमें ऊपर की जो लाइन्स है सबसे ऊपर टूल बार कहलाता है जिसमें बहुत छोटे छोटे ऑप्शंस हैं। उसके बाद आपका आता है टाइम रूलर, ये टाइम के बारे में हमें बताएगा कि वीडियो कितने टाइम तक का है या उसको कितना आप कट करना चाहते हैं। इसके बाद आता है थ्री प्ले हेड, ये हमारा प्ले हेड है जो वीडियो को प्ले करेगा। जैसे हम प्ले करेंगे तो ये वीडियो हेड हमारा चलेगा, मूव करेगा। इसके बाद फोर और फाइव हमारा है द स्टार्ट मार्कर और एंड मार्कर। ये स्टार्ट मार्कर है और ये एंड, जिसको हम सेलेक्ट करेंगे अगर हमें इधर की वीडियो काटनी है या इधर का वीडियो प्ले करना है तो उसके लिए ये काम आता है। उसके बाद है सिक्स द टाइम, दिस इज द टाइम बार ऑन ए ऑब्जेक्ट। जो हमारा सिक्स है ये ऑब्जेक्ट हमें बताएगा कि आपने कौन कहाँ कहाँ पे एनिमेशन दिया या ट्रांजेक्शन दिया है, इस तरह के एनिमेशन और ट्रांजेक्शन के बारे में हमें बताएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो हमारा सेवन है, ये हमारे इधर साइट में कि आप किस में काम कर रहे हो, वीडियो में काम कर रहे हो या आप जूम इन पेन में काम कर रहे हो, स्लाइड में काम कर रहे हो, यहाँ पे पूरी डिटेल उसकी आती रहेगी। उसके बाद दिस इज द टाइम बार फॉर द इंटायर स्लाइड, जो एट है हमारा ये वाली, ये स्लाइड्स बार के बारे में बताएगा। जैसे पहली स्लाइड ये हो गई, दूसरी स्लाइड हमारी ये हो गई और तीसरी स्लाइड ये हो गई हमारी। इसके बाद यहाँ पे है नाइन्थ द एंड टाइम ऑफ द स्लाइड, यहाँ पे जो हमारा लास्ट एंड होता है, यहाँ पे स्लाइड खत्म हो जाती है, उसके बारे में बताएगा। दसवां बताएगा था विजिबिलिटी बटन टूल्स, ये बटन से हमारे कि उनके बारे में हमें ये जानकारी देगा। और ये लॉक बटन है जिससे हम ये जितनी भी हमारी वीडियोस हैं या कुछ है हम उसको लॉक कर सकते हैं यहाँ से, ताकि हम उसको एडिट ना कर सकें। तो ये टाइमलाइन पैन था जो एक्टिव प्रेजेंटर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना इसके आप कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इसके बाद है स्टेटस बार इन एक्टिव प्रेजेंटर, ये जो टाइमलाइन के सबसे नीचे की एक लाइन होगी, यहाँ पर स्लाइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे आप कौन सी स्लाइड में काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिखाई देगी। इसी प्रकार यहाँ पर हमारा HTML5 प्रीव्यू, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो इसके दो ऑप्शन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, प्ले करके भी देख सकते हैं और HTML5 प्रीव्यू करके भी पूरे इंटायर स्क्रीन में इसको देख सकते हैं। इसमें हम कैनवास का जो साइज है बीच का, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं आसानी से। रिकॉर्ड योर स्क्रीन, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट आपका स्लाइड आया यहाँ पर, जैसे ही मैंने देखा कि रिकॉर्ड योर स्क्रीन, मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें किस प्रकार की जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सकती है। हाँ, इसमें मैंने कहा था कि दो प्रकार की होती है, रिकॉर्ड वीडियो हो सकता है
और रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर सेमुलेशन, मतलब रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर सेमुलेशन के अंतर्गत आप कोई भी सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी किसी को देना चाहते हैं, उसका वीडियो बनाना चाहते हैं, तो वन बाय वन वो उसमें लेबल करके आपको सारी स्लाइड्स बना के स्वयं दे देगा। आपको केवल रिकॉर्डिंग करनी है, बाकी सारे वो खुद ही वहां से अपने नाम उठा लेगा, जहां पे आप क्लिक करेंगे माउस से सारी चीजें वहां से उठा लेगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग को आप इसमें इंटायर स्क्रीन में भी कर सकते हैं और छोटे छोटे स्क्रीन पार्ट्स में भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं उसकी। तो अभी हम देख लेंगे, और MP4 से लेकर AVI बहुत किस्म की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और एक रिकॉर्डिंग के अंदर आप अपना जूम इन भी कर सकते हैं और साथ में उसमें वो भी कर सकते हैं, एक स्क्रीन के साथ दूसरा स्क्रीन भी आप उसमें कर सकते हैं, आप जो बोल रहे हैं वो भी उसमें दिखाई देगा। इस प्रकार आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दो प्रकार की इसमें सुविधा मिल जाती है कि आप बोल रहे हो, तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बहुत हैवी होते हैं। मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर में काम किया है, जैसे OBS स्टूडियो हो गया आपका, कैम स्कैनर हो गया, स्क्रीन शॉट हो गया, वो थोड़े बल्की हैं, वो हैवी हैं, उनमें कभी कभी एक घंटे की अगर आप रिकॉर्डिंग करते तो उसके बाद एरर आ जाती है, या जी उसको सेव करने बहुत में हैवी मुश्किल हो हो सकता जाता है। है। हाँ, बहुत दिक्कत आती है, सेव नहीं हो पाता, या आपका सिस्टम ठीक बहुत फास्ट हो तो वो अच्छे काम करते हैं। अगर आपका सिस्टम फास्ट नहीं है तो बहुत दिक्कत आ जाती है। और साथ में कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें MP4 की रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाती है, वो पैसे मांगते हैं, या कुछ आधे उनके जो टूल्स होते हैं पेड वर्जन होते हैं, लेकिन इसमें राइट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको 99 पे करीब पूरा फ्री है, और इसमें जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। HD रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, कम पिक्सल में भी कर सकते हो, हाई पिक्सल में कर सकते हो। और इसके साथ साथ जब इसमें रिकॉर्डिंग होती है तो उसको कंप्रेस मोड पे ये सेव करता है ऑटोमेटिकली, आपकी फाइल बहुत कम स्पेस घेरेगी, तो ये इसका ठीक है सबसे बड़ा फायदा है। और बिल्कुल साथ साथ आप इसमें कर्सर को भी चेंज कर सकते हैं, उसका सुंदर बना सकते हैं। तो अधिकतर यूट्यूब में बहुत जो अधिकांश वीडियो बनाए जाते हैं उसमें आपने देखा कि कर्सर बहुत शानदार तरीके से मूव करते हैं, तो वो इसमें हम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये टूल ना केवल आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही करता है, बल्कि वीडियो को एडिटिंग करने की पूरी सुविधाएं इसमें मिलती हैं। तो हम ठीक आगे है बढ़ते हैं, तो इसमें हम बिल्कुल सबसे पहले वीडियो एडिटिंग के बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है। तो ठीक इसका है एक ऑप्शन यहाँ से भी आ जाता है जब मैं एक्टिव प्रेजेंटर को क्लिक करते हैं, और एक यहाँ पे भी आ जाता है रिकॉर्ड स्क्रीन। तो ठीक है जैसे रिकॉर्ड स्क्रीन को हम क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी इस प्रकार की डेस्कटॉप ठीक है पे। तो इस स्क्रीन पे आप यहां से फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, यहां से कस्टम के अनुसार अपने साइज के अनुसार, जैसे यहाँ पे हाइलाइटेड हो रखा है हल्का सा ब्लू कलर, तो इतनी ही रिकॉर्डिंग होगी। आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, जिस एरिया में आपको रिकॉर्डिंग करनी है उसी एरिया की रिकॉर्डिंग होगी। साइज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वेब कैम इसमें ऑटो डिफॉल्ट होता है, वो अपने आप आपकी भी रिकॉर्डिंग करेगा, साथ जो आप ठीक बोलोगे आपकी आवाज की रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपकी इमेज आपकी वीडियो भी उसमें रिकॉर्ड होगी साइड में। और है ठीक ऑडियो इसमें ऑन ऑफ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम भी यहाँ से बड़ा घटा सकते हैं। तो रिकॉर्ड होने के बाद जब आप यहाँ पर एक्टिव प्रेजेंटर को क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा रिकॉर्डिंग का, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चलती हुई दिखाई देगी, यहाँ वॉल्यूम है दिखाई देगा, यहाँ पे पॉज उसको रोक सकते हैं वीडियो को, और यहाँ पर हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। और शॉर्टकट तरीका है कंट्रोल और एंड की को आप दबा देंगे तो इससे भी आपकी वीडियो स्टॉप हो जाएगी। और जैसी वीडियो स्टॉप होगी वो कहाँ जाएगी, वो सीधा एक्टिव प्रेजेंटर में ये जो आपकी फर्स्ट स्लाइड है यहाँ पे सेव हो जाएगी, यहाँ पे दिखाई देगी। तो उस यहाँ पे दिखने से पहले वो आपके लिए एक पॉपअप मेन्यू यहाँ पे खुलेगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको जो आपने जो वीडियो बनाई है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी आपके पहली स्लाइड। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये हमारा एक जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था मेरी इमेज भी यहाँ पर आ गई। तो इस इमेज को हम हटा भी सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि इमेज नहीं चाहिए हटा सकते हो, इसको आप कहीं पे भी इंटायर स्क्रीन में कहीं पे भी मूव करके रख सकते हो। अब इसको सबसे बड़ी हमारे पास एक और समस्या आती है कि इसको हम सेव कैसे करेंगे। तो एक्सपोर्ट कमांड यहाँ पे दे रखा है, एक्सपोर्ट को जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीडियो ऑप्शन आएगा।
जब वीडियो ऑप्शन आएगा तो एक मेन्यू खुलेगा यहाँ पे मेन्यू, इसमें कई सारे कमांड्स दे रखे हैं कि आपको वीडियो कौन से साइज का चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, हाइट कौन सी चाहिए, स्टीरियो में रिकॉर्डिंग करनी है, फॉर्मेट कौन कौन से चाहिए, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट आएंगे। ठीक है, तो अभी हम डेमो करके भी दिखाएंगे आपको कि किस तरह इसमें काम होता है। ये अभी आपको केवल प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया जा रहा है। इसके बाद हम ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद ये यहाँ से सेव होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये सेव होना शुरू होगी आपकी ये वीडियो, तो ये पूछेगा कि क्या आउटपुट देखना चाहते हैं, तो हम ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा वीडियो सेव कहाँ पे हुआ। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो हमारा एक्टिव प्रेजेंटर के अंदर सेव होगा। जो एक्टिव प्रेजेंटर हमारा टूल है, जो हमारा पाथ है, दिस कंप्यूटर डॉक्यूमेंट एक्टिव प्रेजेंटर, और ये फाइल का नाम आ गया अनटाइटल 3 वीडियो, तो यहाँ पे जाकर ये फाइल हमारी सेव होगी। और अगर आप फाइल सेव करने से पहले उसको देखना चाहते हैं, उसका आउटपुट देखना चाहते हैं कि किस प्रकार बना, तो आप डेमोन्स्ट्रेटेड में जाकर यहाँ से देख सकते हैं, HP5 प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं और नीचे से भी देख सकते हैं, ये जो सबसे लास्ट है। जी, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो किस तरह दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पहले प्रोसेस होगा, फिर ऐसे इंटायर स्क्रीन में आपको दिखाई देगा HTML5 में, इस प्रकार दिखाई देगा। अगर आपको रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर सिमुलेशन, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देनी है लोगों को, तो वो इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे जैसे मैंने रिकॉर्डिंग करी तो अलग अलग स्लाइड बन जाएंगी बहुत सारी, और उसमें अपने आप जो कर्सर का पाथ है वो अपने आप मूव करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक मूव करेगा और हर एक में लेबल आपको दिखाई देगी। तो इसकी भी इस प्रकार सेम रिकॉर्डिंग की जाती है, वही आएगा सेम ऑप्शन इस पर रिकॉर्डिंग का। जैसे हमने क्लिक करा, रिकॉर्डिंग करी, तो आप देख रहे कई सारी स्लाइड्स बन गई हमारी, और यहाँ पे आ रहा है क्लिक यूट्यूब बटन, ये इस तरह ऑटोमेटिक इसमें बनता चले जाएगा। और इसको देखना चाहते हैं हम तो ये इस प्रकार बन जाएगी पूरी फाइल हमारी सारी, समझाते हुए कि यूट्यूब चैनल को कैसे ऑन करना है, कहाँ पे क्या चीज देखनी है, वो सारा ऑटोमेटिक इसमें बन जाएगा। अब बेसिक जो टूल ऑडियो हमने जैसे रिकॉर्ड कर लिया वीडियो, अब हम उसकी एडिटिंग कैसे करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हमारा ये ऊपर जो ये पैनल था जो मैंने अभी दिखाया था आपको, इस पैनल के जो सबसे ऊपर बटन है, ये जो बटन है, क्योंकि जब हम इसमें काम करेंगे तो ये बहुत छोटा दिखाई देगा तो समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कट करके जूम करके आपको दिखाया कि पहला ऑप्शन कट है, दूसरा ऑप्शन कॉपी है, तीसरा ऑप्शन डिलीट और चौथा ऑप्शन क्रॉप। यहाँ से वीडियो को कट, कॉपी, डिलीट और क्रॉप किया जा सकता है। इसके बाद वीडियो को दो हिस्सों में स्प्लिट किया जा सकता है, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम ज्वाइन भी कर सकते हैं, जैसे तीन हमारी वीडियो अलग अलग है, इनको हम यहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद एडजस्ट वॉल्यूम, अगर आपको वीडियो में कहीं पे साउंड सही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं साउंड ही साउंड को, और बाद में दोबारा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। इसके बाद इसमें चेंज स्पीड है, कुछ वीडियो आपको शुरू में तेज चलाना हो, बाद में कहीं पे स्लो चलाना हो, उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ पर स्पीड मैनेज की जा सकती है। हाँ, उसको वीडियो को जैसे कभी कभी हमें कार्टून फिल्म दिखानी है या कुछ इस तरह की चीज दिखानी, जो टाइम लैप्स का अगर कोई वीडियो बनाना है तो आसानी से बनाया जा सकता है। हाँ, स्लो मोशन में भी हमें कुछ चीज दिखानी हो तो भी हम इसमें बना सकते हैं, उसमें कर सकते हैं कमी। इसके बाद अगर हमें फाइल इसमें इंसर्ट करनी है, अगर हमारे पास कोई पहले से वीडियोस बनी है और हम उसको फाइल यहाँ से हम कर सकते हैं, फाइल इंसर्ट में जाके यहाँ से इंसर्ट में जाकर हम फाइल उसको इंसर्ट कर सकते हैं। प्लेक बैक का भी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, बहुत सारे प्ले बैक है। बैकग्राउंड में हम म्यूजिक चेंज कर सकते हैं, इसका म्यूजिक भी डाल सकते हैं हल्का हल्का, कि म्यूजिक भी बजता रहे और हमारी आवाज में रिकॉर्डिंग होते रहे, तो एक उसका सुंदर प्रस्तुतिकरण होता है कि लाइट म्यूजिक भी बजता रहे, वो भी हम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें साउंड रिडक्शन भी है, जो हम नॉइज आ जाता कभी वीडियो में, उसको भी यहाँ से हम कम ज्यादा कर सकते हैं, घटा सकते हैं।
इसके बाद इसमें जब वीडियो के अंदर आप एक और वीडियो बना सकते हैं, जैसे आपने अभी ऑटो रिकॉर्ड जैसे हमारा वीडियो हो गया था जो फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग हो गई थी अपने आप, ऐसी आप एक वीडियो के अंदर दूसरी वीडियो भी डाल सकते हैं। और इस वीडियो का पीछे का हरा कलर आप अरोमा की बोलते हैं इसको, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या फायदा मिलेगा कि आप ही आप दिखाई देंगे और वीडियो चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये वाली फैसिलिटी भी इसमें है कि आप ग्रीन एरिया को रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड। यानी कि हम एक वर्चुअल बैकग्राउंड लगा सकते हैं क्रोमा को रिमूव हाँ, करके। वर्चुअल ओके वर्चुअल बैकग्राउंड इसमें लग सकता है। इसके बाद इसमें इंटरैक्टिव जो क्विज हम बना सकते हैं, क्विजेस कई प्रकार की बनाई जा सकती है, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल रिस्पॉन्स, फिल इन द टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, सिक्वेंट, ड्रैग एंड ड्रॉप, हॉटस्पॉट, ठीक है, इस प्रकार की कई सारी हम छोटी मोटी एक्टिविटीज इसमें बना सकते हैं। तो जैसे मैंने एक प्रयास किया छोटा सा कि उदाहरण है, जैसे ई सामग्री का निर्माण करना सीखे, भारत के ओके राज्य और उसकी राजधानी पर एक क्विज कैसे बनाया जाए, तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने इसमें बनाया है। जैसे यहाँ पे मैंने स्लाइड्स बनाई, 5 स्लाइड्स, ठीक और यहाँ पे मैंने उसको बनाया है। बाद में मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगा। ओके ठीक यहाँ पे फिर मैंने उसको सेव कर दिया फाइल को, बनाने के बाद फाइल यहाँ पे सेव की जाएगी। सेव करने के बाद आप देख रहे हैं फाइल, ये लोगो इसका दिखाई देगा, फाइल इस प्रकार सेव होगी। और वीडियो सेव होने का अलग मेथड है और फाइल सेव होने का अलग मेथड है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन ओके तो अलग ढंग से सेव होगी और वीडियो अलग ढंग से सेव होगा। तो जो फाइल सेव होगी वो इस प्रकार होगी। हम इसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार हमने एक्टिव प्रेजेंटर में काम किया। और अगर आप फाइल सेव करने से पहले देखना चाहते हैं कि आपने जो ई कंटेंट बनाया किस प्रकार रन रन कर रहा है, तो आप उसको यही HTML5 प्रीव्यू से देख सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस ओके प्रकार का प्रीव्यू दिखाई देगा। ये यहाँ से आप प्ले करेंगे तो ये पूरी की पूरी स्लाइड एक साथ प्ले होंगी, रुक रुक के होंगी, जैसे आप इंटरैक्टिव वीडियो होता है, इंटरैक्टिव वीडियो की तरह यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये क्वेश्चन पूछेगा, आप करते जाएंगे, बाद में आपको इसमें स्कोरिंग भी हो जाती है, मार्क्स भी आ जाते हैं कि आपके कितने मार्क्स थे, रिजल्ट क्या हुआ आपका, वो सब कुछ इसमें ऑटो डिफाइन आप कर दोगे, सेटिंग कर दोगे, तो सारा रिजल्ट भी यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार आप इसमें कार्य कर सकते हैं। अब हम इसको लाइव डेमो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार एक्टिव प्रेजेंटर में वीडियो बनाया जा सकता है और क्या क्या किया जा सकता है। तो अब बिल्कुल, मैं यहाँ पे बहुत सारे जिज्ञासु पहलू आपने जो है जगा दिए हैं, जिसमें एक तो ये किस प्रकार का टूल है ये तो आपने बताया बहुत तफसील से, और इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग, प्रस्तुतिकरण और वीडियो का संपादन ये सब कैसे होगा ये जानना मुझे लग रहा है ज्यादा हमारे बच्चों के हाँ, लिए और हमारे तो जो ये दर्शक मैं है उनके लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जो शिक्षक और हमारे जो बच्चे हैं आजकल जो लॉकडाउन में घर में हैं, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा टूल है और इसका इस्तेमाल करके देखें तो मजा भी आएगा। तो मैं जी अभी जी एक्टिव प्रेजेंटर को यहाँ से, ये आपका देख रहे हैं डेस्कटॉप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है लोगो, इसको आइकन जैसे आपका मैं दिखाई क्लिक, दे हाँ इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ रहा पे ओपन हो जाएगा। है। ओके ओके तो ये ओपन हो गया, ये इसका इंटरफेस है जो मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ ओके पे ये देखो ब्लैंक स्लाइड है। और ये पहले से डिफॉल्ट इसमें हमें बैकग्राउंड मिले हुए हैं जिसको हम जी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सैंपल्स भी दिए हुए हैं कि इसमें कैसे क्या क्या किया जा सकता है। जैसे इसमें कई सारे ओके गेम बने हुए हैं, तो मैं एक छोटा सा आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे ये एक ये गेम है रेस वाला, ये बना हुआ है ट्रेसर के लिए रेस बना हुआ है। जैसे आप इसे प्ले करेंगे तो देखो ये यहाँ से हमारा शिप गया, ये खजाना जी है, खजाने में क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। तो इसे जैसे मैं बिल्कुल क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, वेयर इज द 2018 वर्ल्ड कप, कहाँ पे ये गेम वर्ल्ड कप होने वाला है, ब्राजील, जापान, साउथ कोरिया, रसिया। तो हम इसमें से ऑप्शन चुन लेंगे कि कहाँ पे होने वाला है। सपोज मैं इसमें रसिया को क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ, तो ये करेक्ट आंसर था।
और अब हमारा जब करेक्ट आंसर होगा तो हमने इतना खजाना प्राप्त कर लिया, अब हम और आगे बढ़ गए, ठीक है तो हमारा ठीक शिप है और ठीक आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये है फिर एक और खजाना मिला है हमें, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर एक ओके क्वेश्चन आएगा, हाउ मैनी कलर्स डज ए रेनबो हैव। तो सपोज ओके इसमें ठीक हम 7 आ गया, तो हम फिर सबमिट है करेंगे तो फिर ये आगे बढ़ जाएगा हमारा शिप, क्योंकि हमारा आंसर सही है, ये आगे गया। फिर एक और क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा हु हैव बीन प्रेजिडेंट ऑफ द यूएसए। तो कौन कौन से अभी तक प्रेजिडेंट बने हैं यूएसए के, जॉर्ज बुश बने हैं हमारे, बराक ओबामा बने हैं और बिल क्लिंटन बने हैं। ओके हाँ, तो इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा आंसर सही हो गया, ये और ऊपर चले गया हमारा शिफ्ट। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इज डोनाल्ड ट्रम्प द 40th प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, फॉल्स है आंसर। तो इसको जैसे हम सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये, तो हम जीत गए और हमें खजाना प्राप्त हो गया। तो इसका कोई मेरे काफी कानों में छोट आवाज आ रही है, तो हाँ ये हल्का तो स्क्रूज के सिक्कों की आवाज आ रही है। हाँ तो इस प्रकार की छोटी ठीक मोटी एक्टिविटी इसमें बनाई जा सकती है, इसमें है मेमोरी गेम भी बनाया जा सकता है, इसमें मेमोरी गेम बहुत सारे गेम है, ओके और ये प्रेजेंटेशन भी बना रखी है बहुत शानदार वेलकनों की, जिसमें वीडियो डाल के और वो करके, तो ये सब चीज बनाई जा सकती है। तो हम टेम्पलेट में आते हैं, सबसे पहले ब्लैंक में हम जैसे कोई स्लाइड ले लेते हैं, जैसे हम पीपीटी में लेते हैं, इसी प्रकार इसमें भी लिया जा सकता है। तो आपने ठीक है देखा कि हमने ये ब्लैंक स्लाइड ले ली है, ओके ओके पहली स्लाइड आ गई है। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, स्लाइड्स के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बता देता हूँ। जी, जो तो महत्वपूर्ण हो आप हाँ बताएं, क्योंकि हमारे पास स्क्रीन, 25 मिनट है, उसका पूर्ण हाँ सदुपयोग करना है इस पूरे तो सत्र में। ठीक स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की तारीख में है लोग ई कंटेंट बनाते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के कई सारे ऑप्शन पूछते हैं। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जब गए जाएंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग में करेंगे पहले क्लिक। जैसे आप ठीक इसको है क्लिक करेंगे ये हमें सीधा डेस्कटॉप पे ले जाएगा अपने आप। ओके यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरी साउंड यहाँ पे दिखाई दे रही है, प्रीव्यू या भी कैमरा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने जूम से आपके साथ कनेक्ट कर रखा है, इसलिए यहाँ पे कैमरा मेरा हट गया है, मैं ओके तो वो यहाँ पे दिखाई देता और डिफॉल्ट आएगा वो। ये वेबकैम ऑन हो रखा है यहाँ पे, ये ऑन ही रहेगा। यहाँ से ठीक है ऑडियो, यहाँ पे सिस्टम है आपके पास कि आपका कौन सा ऑडियो यूज कर रहे हैं, हेडफोन यूज कर रहे हो या अलग से कोई एडिशनल आपने माइक लगाया, उसकी सेटिंग आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। ठीक है उसके बाद ये कस्टम है, कस्टम में अभी आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन इतना दिखाई दे रहा है ये ब्लू कलर का, राइट और ये डिफॉल्ट इतना आया है। तो इसको आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंटायर स्क्रीन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा अपने आप। लेकिन अगर आपको पूरा नहीं करना, कस्टम करना है, तो फिर आप यहाँ से भी जाकर पिक्सल के अनुसार स्मॉल लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। आप इतनी सी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आप इतने एरिया में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इतनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं आप इसे। ठीक है और अगर आपको इंटायर स्क्रीन में करनी है, फुल एचडी में करनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फुल एचडी में करेंगे तो वो पूरे स्क्रीन में जाएगी, तो हम इसको पूरा स्क्रीन ले लेते हैं। तो मैंने पूरा फुल स्क्रीन ले लिया है। अब ठीक है मैं रिकॉर्डिंग में जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन आएंगे, पहले ओके करूंगा जैसे मैं, तो ये देखिए आप आ रहा है 3 2 और 1, ये रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें जैसे एक्टिव प्रेजेंटर का फोल्डर खोला मैंने, फिर मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया, उसके बाद मैं ये माउस क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ किया, ये इस तरह मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ कुछ भी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, वर्ड की भी जैसे मैंने फाइल खोली, उसके बाद उसको फिर मैंने यहाँ से बंद कर दिया वर्ड की फाइल को। अब मेरे को इसको देखना है कि मेरे को इसको अब बंद करना है, तो इसके दो तरीके हैं, या तो मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा, इसको क्लिक करेंगे आइकन को, एक्टिव प्रेजेंटर का आइकन, तो देखो इसमें मेरी वॉल्यूम जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग यहाँ दिखाई दे रही है, और यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेम्स में रिकॉर्डिंग हो रही है, 18 फ्रेम्स पर सेकंड में रिकॉर्डिंग हो रही है इस समय। और यहाँ पर जो ऑप्शन है ये, इसको पॉज, आप रिकॉर्डिंग ऑफ भी कर सकते हैं इस समय, जैसे मैंने पॉज कर दी, दोबारा आप रिकॉर्डिंग शुरू करना चाहें तो यहीं से क्लिक करेंगे दोबारा शुरू हो जाएगी, और यहाँ से स्टॉप हो जाएगी, और यहाँ से हम उसको
डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिस्कार्ड भी कर सकते हैं उसको, मतलब हमें रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, यहाँ से हम उसको बंद भी कर सकते हैं। लेकिन ठीक जैसे है ही मैं यार इसको बंद करूंगा और कंट्रोल और एंड की दबाऊंगा तो भी अपना, तब ये ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ ठीक से है बंद करता हूँ इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को, जैसे मैंने क्लिक किया। अच्छा, अभी वो प्रिपेयर कर रहा है हाँ, कि तो यहाँ क्या पे करना ये है। ऑप्शन वार्निंग आ गई है कि आपका वेबकैम से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, क्योंकि इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इस समय हम आपस में, कैमरा नहीं हमारे चल जो रहा है। वेबकैम है आपके साथ बात करने में जुड़ा हुआ है। तो जैसे ओके करूंगा, यहाँ से ओके क्लिक कर दिया मैंने, तो ठीक है, यहाँ पे देखो ये आ गया, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो भी यहाँ पे इमेज आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे, जी आपकी बिल्कुल इमेज जी, भी यहाँ पर आ गई है, मेरी इमेज भी आ गई है। तो आप देख रहे हैं कि पहली स्लाइड को छोड़ के दूसरी स्लाइड में आ जाएगा, पहली स्लाइड को हम डिलीट कर देंगे, तो ये ठीक है, हमारी रिकॉर्डिंग हो गई है यहाँ पे। अब आप अरे चाहते हैं इसको मैं देखूं कि जो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ किस प्रकार है, यहाँ पे ऑप्शन है प्रीव्यू, इसको प्रीव्यू को ओके क्लिक ठीक करेंगे आप, है ना, शुरू हो जाएगा। अब मैं इसमें जैसे एक्टिव प्रेजेंटर का फोल्डर खोला मैंने, फिर मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया, उसके बाद मैं ये माउस क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये इस तरह मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, वर्ड की जैसे मैंने फाइल खोली, तो आपने देखा कि इसमें शानदार रिकॉर्डिंग हुई है। और बिल्कुल, अगर आप ऐसा लग चाहते रहा है हैं कि कि साउंड को यदि एम्पलीफाई कर ले तो बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग बन जाएगा। हाँ, इसमें अगर हम अभी अभी हमने सिंपल इसको करा, अगर मैं इसका वो चेंज करूं, इसको डबल क्लिक करेंगे आप इसके बीच में, तो आपको जी यहाँ पे कर्सर इफेक्ट्स दिखाई देंगे और ओके ठीक ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स भी दिखाई देगा। अगर आप अभी हम आपस में बात कर रहे थे तो इसलिए इसने हमारे जो फ्रंट कैमरा है उसको नहीं लिया, उसमें अगर बैकग्राउंड ग्रीन होगा तो हम पीछे से बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं ग्रीन इफेक्ट्स के माध्यम से। राइट राइट फिलहाल हम कर्सर इफेक्ट्स को देख लेते हैं, कर्सर से हमारा कि जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जब हम कंटेंट बनाते हैं तो हमें कर्सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस समय, तो हम उसको किस प्रकार मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ से हम उसको कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ देख लेते हैं, कर्सर हाईलाइट यहाँ पे नन है, हम इसको सर्कल ले लेंगे, आपने देखा येलो डिफॉल्ट है, आप इसको कोई भी कलर में यहाँ से चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर में आप ले सकते हो, क्योंकि हमारा ब्लैक बैकग्राउंड है तो हमें येलो लेंगे या व्हाइट लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओपेसिटी में इसको डार्क भी कर सकते हैं हम, थोड़ा 80 था हमने इसको 100 175 कर दिया, साइज भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से थोड़ा, इसको हम 22 कर दिया हमने। फिर लेफ्ट, जो हमारा कर्सर, जो हमारा माउस लेफ्ट क्लिक करेगा उसके लिए क्या रिएक्शन आएगा, उसमें भी इसमें हम बहुत सारे टूल हैं, इसमें हम देख लेते हैं क्या रिएक्शन आएगा। साउंड अगर हमें चाहिए तो हम साउंड भी ले सकते हैं, कोई भी साउंड, तो साउंड हम नहीं लेना चाह रहे, हम केवल क्लिक इफेक्ट ले लेते हैं, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लेंगे जिसमें रिंग्स बने हुए होते हैं बहुत सारे, कई सारे रिंग, जैसे आपका पानी में कोई पत्थर मारा तो पानी में वाइब्रेशन होती, इस प्रकार का आपका ठीक है जैसे लेफ्ट क्लिक करोगे वहां पे वाइब्रेशन दिखाई देगी पॉइंटर में। इसको भी आप बढ़ा सकते हो, इसकी ऑपेसिटी आप बढ़ा सकते हो, इसको 100 कर सकते हो, 80 है, 121 मैंने कर दिया, साइज भी हम इसका बढ़ा सकते हैं थोड़ा। इसके बाद राइट क्लिक के लिए भी ऑप्शन है, आप राइट क्लिक अगर माउस कहीं पे यूज किया है तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि आप उसको किस प्रकार दिखाना चाहते हो, तो ये हमने ऑप्शन ले लिया, इसको हमने ब्लू कलर ले लिया, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और लेफ्ट डबल क्लिक इफेक्ट के लिए भी आपको कुछ अगर यूज करना उसके लिए भी आप कर सकते हैं। अब ये तो हमने सेटिंग कर ली, अब हम इसको देखते हैं कि ये हमें दिखाई कैसे देगा प्ले जब हम करेंगे, तो हम इसको प्ले करके देखते हैं फिर दोबारा। तो यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखिए, शुरू हो, ये अब आप मैं देख रहे इसमें हैं मेरा एक्टिव पॉइंटर बदल गया है, प्रेजेंटर का फोल्डर खोला मैंने, ये पॉइंटर ठीक आपको है दिख रहा है येलो बंद कलर का, कर दिया, यस उसके बाद मैं ये माउस क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहां पे आप देख रहे हैं कि एक हल्का ओके सा इस रिंग सा तरह मैं यहाँ पे क्लिक दिखाई किया दे रहा है, कुछ भी यहाँ पे बिल्कुल क्लिक कर रहा हूँ, वर्ड की जैसे मैंने फाइल खोली, ओके एक उसके बाद उसको फिर मैंने यहाँ से बंद कर दिया यहाँ पे। येलो कलर की बॉल जैसी चल रही है आपके हाँ, कर्सर के। देखना है कि मेरे को इसको अब बंद कर, तो ये आप इंटायर स्क्रीन में भी हम देख सकते हैं, यहाँ से मैंने कहा था आपको कि HTML5 प्रीव्यू में भी देख सकते हैं,
अब मैं इसको पहले ओके फाइल सेव करना सिखाऊंगा कि अभी आपने जैसे वीडियो इतना बना लिया, अब इसको सेव कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको एक्सपोर्ट में जाना होगा। तो एक्सपोर्ट में क्लिक करोगे आप तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, इमेज, वीडियो, पीडीएफ, ये सब खुल जाएंगे। यहाँ पे हमें वीडियो के फॉर्मेट में इसको सेव करना है, तो हम वीडियो को क्लिक करेंगे। जैसे हम वीडियो को क्लिक करेंगे तो ये मैंने पहले बताया तो ऑप्शन आ जाएगा। तो जी इसमें आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा। ये अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है, डिफॉल्ट इसमें दूसरा होता है। सबसे ज्यादा जो वीडियो जो हर एक प्लेटफॉर्म पे वीडियो प्ले हो जाता है वो तो MP4 होता है। AVI फोर केवल कंप्यूटर में ही प्ले होगा और मोबाइल में प्ले नहीं होगा। तो हमें राइट MP4 लेंगे जो मोबाइल में भी प्ले हो जाए और कंप्यूटर में भी प्ले हो जाए। और इसको हम बिल्कुल जैसे ओके करेंगे तो ये यस करेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया हमारा। और ये जो ऑडियो की सेटिंग दिखा रहा था स्टूडियो स्टीरियो में और 44,100 MHz, क्या इसको भी कुछ हाँ, चेंज ये करना सब हो? हाँ इसको भी चेंज कर सकते हो, लेकिन वो डिफॉल्ट है, उसको अगर आप नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक अगर है बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो आप इन चीजों में तो आप उसको इस्तेमाल कर जी, सकते हो। तो ये ठीक यार है जब तक सेव हो रही है फाइल, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये दिखाई दे रहा है हमें नीचे, ऑडियो ऑडियो की फाइल भी दिखाई दे रही है और वीडियो की फाइल भी दिखाई दे रही है। यहाँ राइट से भी आप वीडियो को रिमूव कर सकते हो, उसकी फाइल को, ऑडियो फाइल को, और दोबारा से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ से ये जो आप राइट देख रहे हैं रेड कलर का, यहाँ से हम दोबारा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको लगा कि मेरी कहीं पे रिकॉर्डिंग करते समय आवाज कम आई है, छूट गई है, तो आप वो घबराइए नहीं, फाइल की ऑडियो को रिमूव करके यहाँ से आप अपनी वीडियो डाल सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि वीडियो एडिटिंग मतलब यानी कि जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव तरीका है कंटेंट बनाने का, उसमें ये काफी मददगार साबित हाँ, होगा। उसमें काफी मदद करेगा क्योंकि आपको एक ही टूल्स के अंतर्गत आपको सभी चीज की सुविधा मिल जाएगी, कि बिल्कुल आपको दूसरे टूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये फाइल यहाँ सेव हो गई है, जैसे ठीक ये है है, इसको मैं फुल स्क्रीन पर चला के आपको दिखाता हूँ एक बार। अब मैं इसमें जैसे एक्टिव प्रेजेंटर का फोल्डर खोला मैंने, ये अभी अपडेट होना शुरू हो गया है, इसको जी कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ, तो ये अपडेट होने लग गया। तो फाइल मैंने बताया था कि एक्टिव प्रेजेंटर के अंदर जाके ये सेव होगी फाइल। तो अब हम इसमें दूसरी चीज और चीजें सीख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे जैसे आप एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, और ये ब्लैंक स्लाइड मैंने ले ली एक, और इस स्लाइड को आप नीचे भी ला सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, कहीं पे भी चेंज कर ठीक सकते हो। तो जैसे मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ले ली, तो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। होम में पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये लेआउट है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे मैंने पहले बताया था सारे वही कमांड्स हैं जो हम अधिकतर यूज करते हैं। यहाँ है पे मैथ्स के इक्वेशंस के भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जिसको मैथ्स का अगर ई कंटेंट बनाना है तो मैथ्स के इक्वेशन के अनुसार लिखने में दिक्कत आती है, तो यहाँ से डिफॉल्ट है, आप यहाँ से भी उसको एडिट करके लिख सकते हो। ठीक इसमें डिजाइन हम देख लेते हैं। डिजाइन जो मैंने कहा था कि हमें स्लाइड का बैकग्राउंड डिजाइन अगर व्हाइट की पसंद नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से कोई भी स्लाइड का डिजाइन ले सकते हैं। जैसे हमने क्लिक कर दिया तो आप देख रहे हैं कि यह शानदार सा बैकग्राउंड पीछे दिखाई दे रहा है। जी या हम इसमें कोई दूसरा और बैकग्राउंड लेना चाहें, हम ये वाला भी ले सकते हैं, और इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड अगर हमें पसंद नहीं आ रहा, ये कलर ले सकते हैं, ये कलर जो आपको जैसा आप अच्छा लगे। चाहें चेंज कर सकते हैं उसको। हाँ, इसको कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने सपोज ये वाला बैकग्राउंड ले लिया। अब हम इसमें इंसर्ट क्या क्या कर सकते हैं, हम इसमें इस प्रकार की लाइनें भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल इसमें लाइंस बना सकते हैं, शेप हम बना सकते हैं, कई प्रकार के शेप हैं, हम वो ले सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे शेप हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपको किस चीज की आवश्यकता है उसके अनुसार। इसके बाद जो मैंने कहा था, जैसे कोई चीज हमें लिखना हो, यहाँ पे क्लिक किया हम, यहाँ पे हमने जैसे कोई चीज लिखना है तो हम यहाँ पे उसको लिख सकते हो। जैसे हेलो लिखते हैं, HELL, और इसको हम
बोल्ड भी कर सकते हैं, यहीं से बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, 66 कर दिया और इसको रेड कर दिया। तो आपने देखा कि ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, यहाँ पे कुछ लिखा है ऐसे। आप यहाँ पर इक्वेशन मैंने बताया था, कई सारे आइकन्स ऐसे होते हैं जो हमें नहीं मिलता, हम यहाँ से उसको आसानी से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आइकन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा, आइकन भी हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी अगर हमें चाहिए। उसके बाद इसमें इमेज है, कोई इमेज अगर हमें चाहिए हम यहाँ पे इमेज भी ला सकते हैं, कहीं से भी डाउनलोड करके ला सकते हैं। ऑडियो हम इंसर्ट कर सकते हैं फाइल की माध्यम से, और खुद रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, और वीडियो जैसा हमें इंसर्ट करना वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं बताऊंगा कि वीडियो कैसे इंसर्ट किया जाता है, माउस क्लिक, की स्ट्रोक, ड्रॉप एरिया, ये बहुत सारी चीजें दी रखी। चेक बॉक्स और रेडियो बटन ये हमारे उस काम आते हैं, ये हमारा मेन्यू बटन के काम आता है बनाने के लिए कि आप किस जगह पे उसको क्लिक करेंगे। चेकबॉक्स क्लिक करने के लिए और रेडियो बटन क्विज बनाने के काम आता है, और एनिमेटेड टाइमर भी हम लगा सकते हैं, कर्सर पाथ डिफाइन कर सकते हैं, जूम इन पेन भी हम कर सकते हैं, बहुत सारे कमांड है। इसके बाद क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताया था कि इसमें ई कंटेंट भी बनाया जा सकता है, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल रिस्पॉन्स, फिल इन द टेक्स्ट एंट्री, फिल इन द टेक्स्ट एंट्रीज, फिल इन द ब्लैंक्स, सीक्वेंस, ड्रैग एंड ड्रॉप, हॉट स्पॉट, ये सारी चीजें इस एक्टिविटी इसमें बनाई जा सकती है। और ये रिपोर्ट स्लाइड जो दे रखा है इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों के मार्क्स, जो हमने क्विज बनाया तो उसमें हम बच्चों का रिपोर्ट कार्ड भी इसमें तैयार कर सकते हैं कि बच्चों को कितने आंसर सही गए, कितने गलत आए, उनके मार्क्स कितने, वो सब इसमें बन सकता है। उसके बाद ये डिजाइन तो आपको बताया था, ट्रांजेक्शन भी इसमें हो जाते हैं बहुत सारे, दो स्लाइड के बीच में अगर ट्रांजेक्शन कैसे करना हो, जैसे मैं एक स्लाइड और बना लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने एक स्लाइड और ले ली यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक स्लाइड ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाली स्लाइड ले ली, यहाँ पे लिख दिया वेबिनार लिख दिया, और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, रेड, अब मेरे पास दो स्लाइड है। आप चाहते हो कि पहली वाली स्लाइड में जैसे मेरे को कोई एनिमेशन देना है तो यहाँ पे एनिमेशन भी है, तो एनिमेशन में हम जैसे क्लिक करेंगे, आप कैसे किस प्रकार का एनिमेशन जाते हैं कि ग्रो और ट्रेंड, जैसे हमने क्लिक कर दिया, अब आप देखना चाहते हैं कि एनिमेशन में ये कैसे मूव करेगा, तो ये मैंने बताया था, इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, जैसे टाइमलाइन को अपनी जरूरत के अनुसार, ये हमने ऊपर कर लिया, इसको हम यहाँ से थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम इसको प्ले करेंगे तो देखो ये हुआ जी, और यहाँ पे पहले प्रेजेंटेशन में यूज करते थे, हाँ वो मुझे लग रहा पूरा उन्होंने इसमें इनबिल्ट कर दिया है, तो आसान बना दिया है। तो जिसको वहां नहीं है, जिसको प्रेजेंटेशन, जिसको पीपीटी आ जाती है उसके लिए तो बहुत आसान है, उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये थोड़ा इनोवेटिव है, मतलब उससे ज्यादा एडवांस इस मामले में कि उसमें हम ये चीजें नहीं बना सकते, क्विज और ये बहुत दिक्कत होती है इसको बनाने में, और कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हम रिजल्ट को, और इसको और HTML5 में भी प्रीव्यू में नहीं देख सकते, इसमें सब कुछ हो सकता है। हाँ, और दूसरा ये भी है इसमें कि अब आपने जैसे इसमें एनिमेशन दिया, अब आप चाहते हैं कि दो स्लाइडों के बीच में ट्रांजेक्शन मुझे देना, तो वो भी इसकी सुविधा है, यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन की सुविधा है। तो आप जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन एक हम ले लेते हैं इसमें, जैसे हमने इसमें ले लिया पुश, तो पहली स्लाइड, और दूसरी स्लाइड में हमने ले लिया ये जूम ले लिया, तो आप देखेंगे कि पहली स्लाइड में किस प्रकार का ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये निशान जो आया है ट्रांजेक्शन का निशान है, तो इससे हमें ये भी पता चलता कि इस वाली स्लाइड में ट्रांजेक्शन लगा हुआ है, इसको हमने डिफाइन कर रखा है। तो इसको जैसे हम प्ले करेंगे तो एक पहली स्लाइड ले लिया था जी जी, वो दोनों मुझे मेरे ख्याल में एक एक करके जो है आपके टाइमलाइन पर भी दिखाई देंगे। हाँ, और मैं आप प्रदीप जी आपका ध्यान समय की ओर भी आकर्षित कर दूं। हाँ, आप इसे कंप्लीट करने की आपका सिर्फ 5 या 7 मिनट का ही समय इस वेबिनार में रह गया है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा ताकि आपका डेमो कंप्लीट हो जाए। हाँ, तो ये
था इसमें डिजाइन के बारे में कि आप जी कैसे जी कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैं इसमें वीडियो इंसर्ट करके देख लेते हैं, एक वीडियो हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो जैसे हम इसको डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करके भी हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये राइट क्लिक किया मैंने और डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक वीडियो इंसर्ट करूंगा आपके सामने, ये इंसर्ट किया और एक वीडियो लेके आऊंगा, वीडियो फ्रॉम फाइल से लेके आऊंगा। तो यहाँ पे मैंने सेव कर रखी है एक वीडियो, छोटी सी बच्चों की फिल्म है, कार्टून फिल्म, उसको लेके आया। अब आपने देखा कि पहली वाली वीडियो के ऊपर ही दूसरी वीडियो आ गई है, दो वीडियो हो गई, एक पहले हमने जो करी थी, एक दूसरी। इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि दूसरी स्लाइड में जाए, तो यहाँ पे मैं होम करके एक और कर लेता हूँ इंसर्ट न्यू, और यहाँ पे मैं इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, डायरेक्ट यहाँ भी पेस्ट हो जाता है। तो आपने देखा कि वीडियो यहाँ पर आ गई है। अब वीडियो को एक बार चला के देख लेते हैं हम। तो ये आपने देखा कि वीडियो चल रही है, और ये वाला जो इसके ऑप्शन थे जो मैंने पहले आपको बताए थे, कि ये वाला ऑप्शन होता है स्लाइड्स दिखाने के लिए, सारी स्लाइड्स को एक साथ दिखाएगा। क्लिक करूंगा तो दो स्लाइड हमें दिखाएगा, और क्लिक करने पे एक सिंगल स्लाइड दिखाएगा। और ये जो इसमें आपको दिख रहा है, ये जो इसमें कुछ हाइलाइटेड सा दिख रहा है, ये वॉल्यूम है, ये वीडियो ऑडियो का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। ठीक है और इसको हम यहाँ से कम ज्यादा करके भी देख सकते हैं। अगर वीडियो बहुत बड़ा है तो बाहर चले जाएगी टाइमलाइन से, तो हम इसको जी यहाँ से क्लिक करके स्मॉल भी कर सकते हैं, ताकि ये हमें कम से कम स्पेस में दिखाई दे। ये तो इतने में हमें पूरा दिख रहा है ये वाली वीडियो। अब आप चाहते हैं कि इस वीडियो को मैं यहाँ से कट भी करूँ और वो भी करूँ, ये मैंने बताया था प्ले हेड है ये वाला, और जो इसके इस तरफ हो रहा है ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से इधर ले जाता हूँ पहले। अब आप चाहते हैं कि मैं बीच की वीडियो काटनी है मेरे को, तो इसके जो किनारे ये ऑरेंज कलर का हेड है, इसको हम इधर को ले जाएंगे मूव करके यूं। तो इतनी वीडियो मेरे को नहीं चाहिए, इतनी वीडियो मेरे को काटनी है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे कट रेंज आ रहा है, इसे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे वीडियो कट गया। अब यहाँ पे हल्का सा रेड कलर का सीन दिखाई देगा, वो बहुत बारीक होता है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी। तो यहाँ पे वो वीडियो इतना कट चुका है। अब मैं इसको फिर अंडू कर लेता हूँ, ये देखो ये आ गया वीडियो। अब चाहते हो कि इसको कॉपी करना है, तो मैं इसको यहां से कॉपी करके यहां भी ले जा सकता हूँ। इसके ओके बाद एक और है, इसको डिलीट करना है हमेशा के लिए, तो डिलीट भी पूरा हो सकता है। इसके बाद यहां पर है क्रॉप, अगर मैं क्रॉप करूं इतना, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये बीच का हिस्सा रह जाएगा, बाकी सारी वीडियो डिलीट हो जाएगी। मैंने यहां से ओके लेकर यहां तक सिलेक्ट किया तो वही हिस्सा रह जाएगा, क्रॉप का मतलब बाकी सारी डिलीट हो जाएगी। इसके बाद इसमें यहाँ पे वो भी दे रखा है, एक मिनट, ये दे रखा है स्प्लिट ऑडियो एंड वीडियो। आप जहां ठीक पे क्लिक करोगे, जैसे मेरे को यहाँ पे वीडियो को काटना है, दो अलग हिस्सों में इसको डिवाइड कर देना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसके बाद देखना ये हाइलाइटेड हो जाएगा ये वाला टेक्स्ट, इसे पकड़ के मैं किनारे ले जाऊंगा तो वीडियो मेरा दो हिस्सों में कट गया है, अब बीच में राइट राइट गैप आ गया है, ठीक है। और मेरे को ज्वाइन करना है तो फिर ये वाला ऑप्शन है, तो मैं इसको यहां से ज्वाइन भी कर सकता हूँ। इसको मैं क्लिक करूंगा जी और यहाँ पे ऑप्शन ले लूंगा ज्वाइनिंग, और इसे पकड़ के फिर वापस जोड़ दूंगा तो ये जुड़ जाएगा। और ओके आपको अगर बीच में कुछ वीडियो की साउंड रिमूव करनी है, तो आप ये वाला हेड ले लीजिए इधर को, इसको ले जाइए, इतनी वीडियो को आपने सेलेक्ट करा, अब इतने की आप चाहते हैं कि मैं साउंड रिमूव कर दूं, तो यहाँ पे जाइए आप, यहाँ पे क्लिक करिए वीडियो ये इसको साउंड को, और यहाँ पे म्यूट कर दीजिए। जैसे आप इसको म्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि बीच की लाइन हट गई है, आपको दिख रहा होगा बीच की लाइन हट गई है। तो यहाँ इतना राइट हमने साउंड इसका रिमूव कर दिया वीडियो को। अगर मैं यहाँ से ओके प्ले करके आपको सुनाऊं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्ले करके सुनाता हूँ, तो आप देखेंगे अब यहां से ये बिना साउंड के बज रहा है, क्योंकि मैंने इतनी राइट साउंड इसकी हटा दी है। म्यूट कर दिया उसको। हाँ, वो म्यूट कर दिया। आप अब यहां से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और यहां अपनी साउंड डाल सकते हैं, यहां पे आ जाएगी और उसको आप यहाँ साउंड डाल सकते हैं।
उसके बाद आगे देखेंगे आपकी दोबारा साउंड आ जाएगी, फिर आगे प्ले करेंगे तो ये फिर आगे बजेगा। तो मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर देता हूँ। जी इसको सेव करें और ताकि हमें बताएं आप, हमारे पास सिर्फ दो या तीन ही मिनट रह गए प्रदीप जी। हाँ, अगर आपको दो वीडियो जोड़ना है तो उसका भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर, कि आप इसी वीडियो के अंदर एक और वीडियो ला के दो वीडियो एक साथ जोड़ सकते हैं, या उसको अलग स्लाइड में ले जाके दो वीडियो भी जोड़ सकते हैं, तीन वीडियो भी जोड़ सकते हैं, और उनको एडिटिंग कर सकते हैं आप, इन्हीं के यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। और जैसे मैं एक और फाइल आपको दिखा देता हूँ, जो क्विज वाली जो मैंने बनाई थी, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से हम ओपन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया और ये मैंने क्विज यहाँ पे बनाया था, तो वो मैं दिखा देता हूँ। तो आप देखोगे दो दो फाइलें मेरे पास एक साथ में, दो से तीन फाइलों में काम कर रहा हूँ, एक यहाँ पे और एक ये फाइल है, ये क्विज वाली फाइल है, ये मैंने तैयार करी थी इसी में। और मैं इसको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करती है। एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट लगेगा, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो देखो ये आ गया यहाँ पे, इसमें एनिमेशन भी आया, फोटो भी आई कुछ। यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा क्विज। तो देखो पहला क्वेश्चन आ गया, उत्तराखंड की राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी है। तो जैसे मैंने देहरादून चुना, उसके बाद मैं इसको फिर आगे ले जाऊंगा सबमिट, तो ऑप्शन आएगा कि आपका आंसर सही है। फिर महाराष्ट्र की राजधानी मैं ले लेता हूँ मुंबई, ये भी सही हो गया मेरा। एक आंसर मैं गलत ले लेता हूँ, इम्फाल सिक्किम की राजधानी। स्मृति वाजपेयी का ये क्वेश्चन भी आया था जब आप अपना जहाज मूव कर रहे थे, कि अगर हाँ, आपने गलत आंसर चुना तो क्या आएगा, तो ये उनका यहाँ पर उत्तर भी हो जाएगा। कर्नाटक राज्य की राजधानी जैसे बैंगलोर, एक मैंने गलत भरा था और बाकी मैं सही भर रहा हूँ। और ये जैसे छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कौन सी है, अगर रायपुर कर देते हैं इसको और सबमिट कर देते हैं, तो कॉम्बो। अब जैसे हम इसको क्लिक करेंगे हमारा स्कोर आ गया, मैंने एक गलत किया था तो मेरे पांच, मतलब मैंने चार मेरे सही हुए और चार मेरा स्कोर हुआ, परसेंटेज मेरे 80 आए मार्क्स। जी बिल्कुल। अब कौन से गलत है कौन से सही है उसको देखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम दोबारा उसको देख सकते हैं नेक्स्ट करके, कि कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हुआ था। ये नेक्स्ट हुआ, ये हमारा गलत हुआ, इसका राजधानी गैंगटॉक थी और हमने इम्फाल कर दिया था। ये चीज भी हम इसमें आसानी से कर सकते हैं, ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटी इसमें हम बना सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ। अच्छा, एक और सवाल आया है, जल्दी से मैं आपसे उत्तर चाहूंगा, 30 सेकंड हमारे पास सिर्फ शेष है। प्रदीप जी, अगर बच्चों को हमें इस क्विज में इन्वॉल्व करना हो तो कैसे उनको पार्टिसिपेट कराया जा सकता है? हाँ, इसके लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके लिए यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, HT5 इसमें आता है कि यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा हमारा एक्सपोर्ट जब हम करते हैं, ये आता है पब्लिश LMS, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो इन्होंने ही अपना आप डेवलप किया हुआ है। यहाँ पे जैसे ये क्विज बना हुआ है तो इसको मैं क्लिक करूंगा, तो ये लर्निंग मैनेजमेंट में जाकर वहां पे जाकर हमारा एक कोर्स तैयार हो जाएगा, और वहां पे ये क्विज ऑटोमेटिक ही वहां पे आ जाएगा कि आप इस क्विज को वहां से बच्चों को आप शेयर करेंगे, तो ऑनलाइन आप जो है पब्लिश करेंगे, जब बच्चे उसको पार्टिसिपेट करेंगे, उस क्विज को खोलेंगे, तो उन्हें भी LMS की थ्रू इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, फिर उनका स्कोर मेरे को दिखाई देगा कि किस बच्चे ने किस पार्टिसिपेट किया, उसके क्या मार्क्स आए। ठीक है, तो स्मृति जी आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा, आप एक्सप्लोर करिएगा। फिलहाल हमारा समय अब यहाँ समाप्ति की ओर है। प्रदीप जी, आपका मुझे धन्यवाद कहना होगा, और ये बहुत अच्छा टूल आपने एक्सप्लोर किया और इस वेबिनार में आपने समय दिया, और बच्चों को और टीचर्स को जरूर इसका प्रॉफिट होगा। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद सर। वेबिनार का हमारा ये सत्र हम यही समाप्त करते हैं। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में सहयोग सेशन लेकर। देखते रहिए PME विद्या चैनल। नमस्कार।